अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप सब? ठीक है? वीडियो भाई को चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना बच्चे मैं आप लोगों को दिखाए थे तकरीबन दो दिन पहले, और जब दूसरा बच्चा भी निकल गया था ना, मैंने खुद तक नहीं देखा यार, रेड आइज बच्चे निकले हैं कि ब्लैक आइज निकले। मैं चलो देख ही लेते हैं और उनकी ग्रोथ भी देख लेते हैं कि किस तरह की हो रही है। तकरीबन यार तीन चार दिन हो गए हैं इनको निकले आए हुए, तकरीबन दो तीन दिन से, तीन दिन तकरीबन हो गए हैं, और मैंने अभी तक देखे ही नहीं है भाई। हाँ भाई, अरे भाई गुस्सा बहुत कर रहा है यार, ये देखें भाई किस तरह मार रहा है। अरे 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 क्या हो गया? ओए भाई साहब, चलो थोड़ा सा दिखा दो यार। ओए माशाल्लाह, तो मेरे को 200 में नीचे छोड़ देता हूँ पहले, चलो जाओ। ये देखे भाई, ये तो भाई रेड आइज बच्चा है, और ये कौन सा है? ये भी रेड आइज है यार, माशाल्लाह। तो यार इस दफ़ा ना दोनों रेड आइज बच्चे निकले हैं, ये तो भाई खुशखबरी वाली बात हो गई है। पहले जब इसमें बच्चे निकाले थे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक बच्चा भाई ये वाला निकला था ब्राउन, जो कि ब्लैक है ये, और एक बच्चा निकला था वाइट वाला, जो कि रेड आइज है भाई। इस तरह इस दफ़ा जो है ना दोनों वाइट निकले, तो माशाल्लाह से दोनों रेड आइज बच्चे हमारे पास आ जाएंगे। इनके भी बच्चे निकलने वाले हैं, बहुत जल्द, अभी तक निकले नहीं है, तो इनके भी आजकल में बच्चे जो है निकलने वाले हैं। और माशाल्लाह से यार रिंगनेक डॉग्स हमारी जो है ना, माशाल्लाह आप लोग देखें, आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी तादाद बढ़ती जाएगी, और बजीस की तरह भाई एवरेज हम भर देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला भर देगा इंशाल्लाह। और इस तरह बच्चे निकलते रहेंगे, ब्रीड आती रहेगी, तो मज़ा आता रहेगा भाई। माशाल्लाह बच्चे तो बहुत क्यूट हैं यार इनके, ही देखें तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी बच्चे बहुत जल्द आ जाएंगे, तो और ज़्यादा रौनक लग जाएंगी। तो चलें दोस्तों बाहर चलते हैं, आज हमने बड़ा ज़रूरी काम करना है, तो बाहर चल के आप लोगों को बता दें। तो ये वाला जो आप लोग दोस्तों केज देख रहे हैं ना, ये हमारे यूज़ में आने वाला है, अभी इसको मैं लेके जाता हूँ अंदर। तो भाई आज हमने क्या काम करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये केज मेरे पास आ चुका है, तो इस केज को मैंने उठाया और इधर से कैमरा पकड़ा और इधर से इसको कैच कर लिया। तो अभी हम दोस्तों अंदर चलते हैं बजीज की एवरी में। आज हमने ये काम करना है कि आज जितने भी बजीज के बच्चे हैं ना, उनको हमने सेपरेट कर देना भाई, क्योंकि ये जो है ना आपस में बहुत ज़्यादा मामला अपने ख़राब कर रहे हैं, एक दूसरे की मटकियों में जाके ना अपने बच्चे सच्चे ना मार दें। तो मुझे डर है, तो इन सब बजीज को मैं अलहदा कर दूँगा, जितने भी हमारे जो बजीज बच्चे बच्चे निकले ना, जो पहले निकले थे और जो अब निकले हैं, उन सबको मैं अलहदा कर देंगे। और एक मटकी जो फिंचिस की है ना भाई, वो मैं निकाल दूंगा, क्योंकि फिंचिस उसके अंदर घोसला नहीं बना रही, वो हम दरी का ही लगा देंगे। और सूजी को भी वहीं पे छोड़ेंगे, बच्चे सच्चे वहाँ पे भी यहाँ निकलेना, इसलिए तो इसलिए हम इनका सेपरेट समझने वहाँ पे सेटअप बनाने लगे। तो चलें करते हैं जाके। हम यहाँ से बच्चे निकालने वाले, तकरीबन हम यहाँ से पैरट्स निकालेंगे भाई, सात बजीज पैरट्स हम यहाँ से निकालेंगे। चार बच्चे जो लास्ट टाइम अभी इस वाली मटकी से निकले थे वो, और तीन जो पहले निकले थे वो वाले, और लेकिन यार अभी ये वाले छोटे हैं, इनको मैं नहीं निकालूंगा। यहाँ पे भी दो बच्चे हैं अभी, और यहाँ पे भी एक बच्चा, आप लोगों को पता काफ़ी बड़ा हुआ है, ये भी बस बाहर आने वाला, आप लोग देखें काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह। और ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखें भाई, तो ये जो है ना बाहर आने वाला है कुछ दिनों में, आजकल में आ जाएंगे। अरे ठीक है ना, ये हाँ सही है, तो ये भी बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम इन सब पैरट्स को पकड़ के पहले केज में डाल के नज़ारा करते हैं भाई किस तरह लग रहे हैं, और फिर आगे जाके एवरी में रिलीज़ कर देंगे भाई। चलो दोस्तों बजीज पैरट्स को पकड़ते हैं, और उसके बाद केज में डाल के इनको आगे वाली एवरी में शिफ्ट करते हैं जाके। बस दुआ ये करनी है आप लोगों ने, कह रही जाके ना डायमंड को परेशान ना करें, तो बाकी खैर है, लेकिन करेंगे नहीं, वैसे बच्चे हैं आपस में इधर उधर बैठे रहेंगे बस, तो इंशाल्लाह इनको आदत हो जाएगी। तो चलें करते हैं, जो बड़े पैरट्स हैं ना भाई, वो जाके फटे छटे करते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो पूरी है। अगर इन्होंने तंग किया ना, तो भाई इनको अलहदा मैं केज ले आऊँगा, फिर उनको जाके इसमें कर, चले पकड़ते हैं इनको। भाई फाइनली तकरीबन 10-15 मिनट लगे, और मैंने सारे बजीज को पकड़ लिए, सात बच्चों को मैंने पकड़ लिया, मैंने आप लोगों को बताया था। और भाई ये ना इस पिंजरे में से निकल के बाहर आ रहे हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी ना आगे वाली एवरी में इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, बाकी सारे जो है ना अलहदा अलहदा जितने भी पेयर हैं यहाँ पे स्कून से ब्रीड करेंगे, और जो इनके बच्चे सच्चे आ जाएंगे हम इनका अलहदा शिफ्ट करते जाएंगे। तो चलो इनको वहाँ पर जाके छोड़ते हैं, इनको ना मैं आगे वाली एवरी में लेके चले जाता हूँ। और ये जो भाई निकलना शुरू हो रहे हैं यहाँ से,
तो इनको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। भाई बिस्मिल्लाह, पहले इनको यहाँ रखता हूँ, पीछे से दरवाज़ा कर लेता हूँ बंद ताकि वापस ना चले जाएँ। यार बड़ी मुश्किल से मैंने इनको पकड़ा है। और आप लोगों को पहले इनके बच्चे से अच्छे भी दिखाए थे डायमंड के। ओए भाई साहब ये देखें भाई, एक बच्चा तो यहाँ पे निकला हुआ है और दो बच्चे यहाँ पे हैं, और बाकी अब किसी ने अंडे शंडे वहाँ पे दिए मैंने, इंशाल्लाह यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो चलें इनको वहाँ पे छोड़ते हैं इस वाली आइवरी के अंदर, काफ़ी प्यारे लगेंगे। तो सब बिस्मिल्लाह करते हैं और सब पैरट्स को यहाँ पे, अरे मैं देख लूँ पूरे हैं ना ये हैं। अरे तो छः हैं भाई, एक वापस निकल गया मुझे लग रहा है। अरे यार एक बच्चा दोस्तों यहाँ पे बैठा हुआ है भाई, ये देखें ये बैठा हुआ है यहाँ से भाई, इसको मुझे पकड़ना पड़ेगा। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना भाई, निकलते जा रहे हैं यहाँ से, इनको जल्दी जल्दी एवरी में रिलीज़ कर देते हैं। चल बिस्मिल्लाह करते हैं। आ जाओ शहजादो, तुम्हारा अब से न्यू केज यहीं पे। अब तुम अपने दोस्तों से इधर बिछड़े तो नहीं हो, लेकिन बस साथ वाली एवरी के अंदर आ रहे हो। अरे माशाल्लाह, चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाहर आओ। अरे आ जाओ, इनको पकड़ के मुझे लगता है दोस्तों निकालना पड़ेगा। चले निकालते हैं। यार माशाल्लाह से बजीज अब यहाँ पे आ चुके हैं। अब जितने भी बजीज यहाँ पे मारे हैं ना, वो सारे ब्रीडर हैं, सबकी मटकियाँ लगी हुई यहाँ पे। अब हमारे पांच पेयर बजीज के हैं और बच्चे सच्चे ला जाएँ जो मटकियों के अभी अंदर हैं। तो मतलब यहाँ पे अब इनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, जो बच्चे निकालते जाएंगे हम यहाँ पर इनको छोड़ते जाएंगे इंशाल्लाह। और इनकी जो बड़ा पेयर मैंने यहाँ पर इनको छोड़ा है ना भाई, इनकी मटकी छटकी जो है ना मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि अपनी डायमंड उसको परेशान ना करें। तो ये हमारी फिंचेस की एक मटकी यहाँ पर लगी हुई है, तो इसको मैं खोल लेता हूँ क्योंकि फिंचेस तो इसके अंदर नेस्टिंग नहीं कर रही हैं आप लोग देखें, और इसके अंदर जाती भी नहीं है। तो ये मटकी मैं निकाल लेता हूँ और लगा देते हैं अपने बजीज के लिए। मटकी दोस्तों मैंने यहाँ पे इनकी लगा दी है, और बस अब यहाँ से मैं बाहर चलता हूँ और एक जो बच्चा इस वाली एवरी ना उसको भी यहाँ पे छोड़ देते हैं। से ना अब सारे बजीज ना एडजस्ट हो चुके हैं, अभी थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे ये, उसके बाद फिर ना मतलब इन्होंने शरारतें तो शुरू कर दी हैं। आप लोग देखें सुकून से बैठे हुए हैं, मटकी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। एक बेबी बजी वहाँ पे बैठा हुआ, तो बस दुआ करनी है कि यार डायमंड उसको भी परेशान ना करें, वरना मैंने इनको यहीं से निकाल के ना कहीं और फिर इनको करना पड़ना। तो निकालने की वजह यही थी कि यार ये एक दूसरे की मटकियों में जाकर ना परेशान कर रहे थे दूसरों को, बच्चे निकले हैं अंडे इसी तरह जो है ना फीमेल्स फेंक रही थी। तो एक बच्चा दोस्तों यहाँ पे है, दो बच्चे यहाँ पे हैं और दो बच्चे वहाँ पे, मतलब अभी पांच बेबी बजीज और माशाल्लाह से रहते हैं। जब वो भी बाहर आ जाएंगे ना, उनको भी फिर हम आगे वाली एवरी में शिफ्ट कर देंगे इंशाल्लाह। और बस दुआ कीजिएगा कि यार डायमंड अब बजीज जो है ना हमारी भाई तादाद इस तरह फुल हो जाए भाई एवरी, जब हम सेटअप पे आया करें ना भाई, मेरी आवाज़ कम और परिंदों की ज़्यादा आया करें इंशाल्लाह। आप लोगों ने दुआ करनी है कि यार जल्दी जल्दी इस तरह का कोई सीन बन जाए, और बच्चे छच्चे निकलते रहेंगे इंशाल्लाह, ये सीन भी हमें इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। और ये देखें पर मार रहा है भाई मटकी के अंदर, क्योंकि ये बाहर आने वाला है, उड़ने की कोशिश कर रहा है। आप लोग देखें मटकी के अंदर दोस्तों निकलने की कोशिश कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है भाई उड़ने की। इनको भी दाना डाल दिया यहाँ पर भी, इनको मैंने दाना डाल दिया पानी शानी डाल के, अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं। अरे जैरी को दोस्तों तकरीबन एक या दो दिन रह गए, और उसके बाद हमारे जैरी के भी बच्चे इंशाल्लाह निकल आएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये सेटिंग कैसी लगी। तो ये देखें भाई केज जो था ना मेरे पास, मैंने यहाँ पर सामने लगा दी, और ये देखें इसलिए जो है ना मैं यहाँ पे मटके नहीं लगा रहा, अभी सिर्फ मैंने केज ही लगाया, मटकी छोड़ के अपनी केज के पास चली गई है। तो ये जो है ना इसी तरह करते हैं, बजे जितनी मटकी हैं इतनी बहुत हैं, अगर मैं और लगाऊंगा तो अपने अंडे छोड़ के दूसरी मटकी के पास चले जाएंगे, और इस तरह फिर अंडे जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, बच्चों को भी ये छोड़ देते हैं। तो यही वजह थी बस, इसलिए मैंने बजेस को भी छोड़ना इस वाली एवरी में मैंने शिफ्ट करना पड़ा। और वैसे डायमंड उसको दोस्तों कुछ कह तो नहीं रहे, आप लोग देखेंगे देखें पास ही एक दूसरे के बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह कुछ नहीं कहेंगे। डायमंड नीचे आई है खाना खाने, मटकी मैंने यहाँ लगा दी है, और ये देंगे बिल्कुल रेडी पेयर है ये, मटकी मैंने इनकी लगा दी, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द अंडे भी दे देंगे यहाँ पे। तो खैर मिलेंगे दोस्तों इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो आप लोगों को बता दो मैं वीडियो एंड कर रहा था, एंड बल्कि मैंने कर दी थी, मैं जाने वाला था तो मेरी अचानक नज़र पड़ी। मैंने आप लोगों को क्या कहा अभी कि शरारतें बहुत ज़्यादा करते हैं भाई, देखें हम केज के अंदर ही चले गए यार, अब पता नहीं बाहर आ पाएंगे, रास्ता ढूंढने बाहर आने की, तो इनको मैं जाके निकाल दूंगा भाई। यही बस कसम से क्या करते हैं यार, खैर बाय।